हे एमिनेंस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बाय क्वेस्टर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड कुछ बच्चों के तो सीबीटी हो भी गया है, बट अभी रहते हैं बच्चों के सीबीटी, तो इसलिए जीके के क्वेश्चन अभी कंटिन्यू रहेंगे जब तक आपका सीबीटी, सब बच्चों का सीबीटी कंप्लीट नहीं हो जाता। ये जी जनरल नॉलेज क्वेश्चन का पार्ट टू है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कीन स्वार 23 वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड यूएसए, यूएसए एंड जापान, जापान एंड ताइवान। सो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएसए एंड जापान। कीन स्वार मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच कंडक्ट की गई है? यूएसए एंड जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द बैटल ऑफ रिजांग ला, एन एपिक बैटल इन होस्टाइल कंडीशन, वॉज फोट बाय द इंडियन आर्मी इन, एक फेमस बैटल रही है द बैटल ऑफ रिजांग ला, वो इंडियन आर्मी ने किस कौन से सन में लड़ी थी? 1948, 1956, 1962, 1972। तो जो द बैटल ऑफ रिजांग ला थी वो फोट करी थी इंडियन आर्मी ने इन 1962, ऑप्शन सी इन 1962। दिस बैटल वॉज फोट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच हुई थी ये लड़ाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपसे ईयर ना पूछ कर आपसे दो कंट्रीज भी पूछ सकते हैं कि ये बैटल किन दो कंट्रीज के बीच हुई थी, इंडिया के साथ ऑब्वियसली इंडिया, बट इंडिया के साथ तो दूसरी कंट्री कौन सी थी, तो इंडिया एंड चाइना के बीच ये बैटल हुई थी। दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज आखिरी पाव, वेयर एवरी सोल्जर फॉट टिल हिज लास्ट ब्रेथ, द इंडियन साइड वॉज लेड बाय मेजर शैतान सिंह भाटी। ठीक है, तो जो इंडियन साइड की, इंडियन साइड से जो इस बैटल को लीड कर रहे थे उनका नाम था मेजर शैतान सिंह भाटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2022? अभी जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से एक जो है वो नोबेल प्राइज रिसिपेंट नहीं है, बाकी तीन नोबेल प्राइज रिसिपेंट हैं इन द ईयर 2022। ऑप्शंस आर कैरोलिन आर बर्टोजी, बेंजामिन लिस्ट, मॉर्टन मेल्डल, के बैरी शापलेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंजामिन लिस्ट। ईयर 2022 में नोबेल प्राइज रिसिपेंट नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल एंड के बैरी शापलेस हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। ठीक है, किस चीज़ के लिए इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था? फॉर क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रीडम फाइटर काना कलाटा बरुआ वॉज मर्चर्ड इन, फ्रीडम फाइटर रहे हैं काना कना कलाता बरुआ, वो किस चीज़ के लिए शहीद हुए थे? सिपॉय म्यूटिनी, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीजेंट अपराइजिंग ऑफ 1893 टू 1894। तो जो कनक लाता बरुआ थे वो शहीद हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में वो शहीद हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर्स हरिहर एंड बुका, कौन सा किंगडम जो है फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुका, दो भाई थे हरिहर और बुका, उनके द्वारा कौन सा किंगडम जो है फाउंडेड था? बहमनी, विजयनगर, मालवा, मराठा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप, इम्पोर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। ऑप्शंस है स्काई रूट, प्रारंभ, बजमुख, विक्रम एस। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विक्रम एस। ठीक है, द यू एन कोप 27 समिट रिलेट्स टू रशिया यूक्रेन वॉर, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, इंटरपोल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, द यू एन कोप समिट जो है 27th समिट था ये यू एन कोप का, तो ये किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज से। ठीक है,
क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है, विच रेनेसेंस आर्टिस्ट पेंटेड द लास्ट सपर, किस आर्टिस्ट ने, रेनेसेंस का हिंदी मीनिंग होता है आपसे, ये इंग्लिश में भी आप या तो इसको स्पेलिंग मिस्टेक में ला सकते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है, एंड रेनेसेंस का मीनिंग होता है पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण। तो विच रेनेसेंस आर्टिस्ट पेंटेड लास्ट सपर, तो ये लास्ट सपर एक पेंटिंग का नाम है, तो किस आर्टिस्ट ने ये पेंट किया है, तो ऑप्शन है इसके मिशेल एंग्लो, डोनेटालो, बॉटिसिली, लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लियोनार्डो द विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वेयर इन साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट अ ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639। साउथ इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो उसने अपना ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639 कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था, कुडलोर, मद्रास पट्टनम, कलाहस्ती, करवर, तो उन्होंने जो अपना ट्रेडिंग पोस्ट था वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया था, ऑप्शन बी मद्रास पट्टनम, जिसे अब हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन ओनली मिरर्स, गैलीलियन टेलीस्कोप, कैपलेरियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, स्मिट टेलीस्कोप, तो जो टेलीस्कोप सिर्फ मिरर कंटेन करता है उसका नाम है ऑप्शन सी न्यूटोनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड बुक का ऑथर आपको बताना है, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री, चेतन भगत, जुम्पा लहरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोज, टोमेटोज के अंदर कौन सा एसिड फाउंड होता है, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो जो टोमेटोज के अंदर फाउंड होता है उसका आंसर है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन सी। अब ये कुछ और नेचुरल सोर्सेज और उनके अंदर पाए जाने वाला एसिड है उसके नाम है, आपको याद कर लीजिएगा, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, टैमरिन टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, सॉर मिल्क या कर्ड लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग जो चींटी काट लेती है, मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये कुछ नेचुरल सोर्सेज और उनके एसिड दिए गए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और वो टाइम पर याद नहीं आता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, किस प्लैनेट की हाईएस्ट डेंसिटी है, अर्थ की, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड किस ऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन है N2O, N2O3, NO2, N2O5, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, N2O5, ठीक है, N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ हुमायूनामा, हुमायूनामा का ऑथर आपको बताना है, रोशनारा बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम, गोहर बेगम, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों वीडियो का एंड होता है, आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं, और जिन बच्चों का 2 सितंबर और 3 सितंबर को CBT हो गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इससे और बच्चों की भी हेल्प होगी। एंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।